हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हमारे लेक्चर नंबर 117 पर, 117 पर। यहां पर हम एक अच्छा सा डीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया था पहली बार तो मुझे बहुत सारा समय लगा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और ठीक है, 2D डीपी का एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। मीडियम लिखा हुआ है बट मैं इसको हार्ड बोलता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आपको इस प्रकार ना तीन लेंस दी हुई हैं, आपको इस प्रकार तीन लेंस दी हुई हैं। अगर मैं आपका बना के दिखाऊं तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है, आपके क्वेश्चन ने कहा कि मेरे पास तीन लेंस हैं। एक लेन जो है मेरी ऐसे बन गई, ये वाली, दूसरी लेन जो है मेरी ये वाली बन गई, और तीसरी लेन मेरी ये वाली बन गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास तीन लेन है और आपके पास एक फ्रॉग है। फ्रॉग जो है आपका यहाँ पर बैठा हुआ स्टार्टिंग के अंदर, ये आपका फ्रॉग है। ठीक है, आपके पास ये सारी पोजीशन है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पोजीशंस है। आपका फ्रॉग जो है स्टार्टिंग में कौन सी लेन के अंदर बैठा हुआ है, कौन सी लेन के अंदर बैठा है। मैंने मतलब लेट से लेन की नंबरिंग कर दूं तो ये आपकी फर्स्ट लेन हो गई, ये आपकी सेकंड लेन हो गई, ये आपकी थर्ड लेन हो गई। तो आपका फ्रॉग जो है सेकंड लेन के अंदर बैठा हुआ है और उसकी पोजीशन जो है स्टार्टिंग के अंदर 0th पोजीशन पर बैठा हुआ है। ओके, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि आपको फ्रॉग को यहाँ पर एंड वाली पोजीशन पर लेकर आना है। लेट से मैं एंड पोजीशन को किससे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एंड से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो मेरा एम क्या है कि पोजीशन जीरो से मेरा फ्रॉग जो जीरो पोजीशन बैठा हुआ, मुझे इसको जीरो पोजीशन से एंड पोजीशन तक पहुंचाना है यूजिंग मिनिमम साइडवेज जंप। कैसे? मैंने बोला ठीक है, समझाता हूँ। तो ये इतना आसान रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे रास्ते के अंदर सिर्फ ये लेन बनी पड़ी, आप जंप करते करते पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। बीच में ऑब्स्टैकल्स भी हैं। जैसे पहला ऑब्स्टैकल आपका यहाँ पर है, अगला ऑब्स्टैकल आपका यहाँ पर है। आपका टारगेट क्या है कि यहाँ इन तीनों में से किसी भी जगह पर पहुंच जाऊं, क्योंकि ये मेरी एंड पोजीशन है। किसी भी लेन में फर्क नहीं पड़ता, पर एंड पोजीशन पर पहुंचने में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर ये मेरा फ्रॉग है क्या ये फ्रॉग यहाँ से यहाँ जा सकता है? मैंने बोला हाँ, पॉसिबल है, बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, इसमें कितने साइडवेज जंप हुए? साइडवेज जंप ऐसे होता है कि अगर आपका फ्रॉग यहाँ पे खड़ा है, या तो इस साइड पे जंप कर जाए या तो इस साइड पे जंप कर जाए। तो यहाँ पे मैं साइडवेज जंप को, लेट्स से कि मेरा जंप वाला एक वेरिएबल है वो स्टार्टिंग में जीरो है, इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे भी तो मैं समझा रहा हूँ, अप्रोच नहीं बता रहा, क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो अभी तो हम स्ट्रेट गए हैं, तो अभी हम साइडवेज जंप जीरो रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या मैं यहाँ से आगे जा सकता था? क्या मैं इस पोजीशन से आगे जा सकता हूँ? मैंने बोला नहीं। क्यों भैया? क्योंकि आगे तो ऑब्स्टैकल है, ऑब्स्टैकल के ऊपर आप जा नहीं सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो अब साइडवेज जंप करने पड़ेंगे। क्या मैं ये वाला साइडवेज जंप कर सकता हूँ? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि ये भी ऑब्स्टैकल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नीचे की तरफ जंप करना पड़ेगा। इन शॉर्ट मैंने क्या बोला कि मैंने यहाँ पर ऐसे साइडवेज जंप कर दिया, तो मेरा जंप जीरो हटके वन हो गया। बहुत बढ़िया। अब मैंने पूछा कि यार क्या मैं इस पोजीशन से आगे जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। तो आप इस पोजीशन से यहाँ पर आ गए। बट अब आगे हमने दोबारा चेक करा, क्या यहां से मैं आगे जा सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां पर ऑब्स्टैकल है। क्या यहां से मैं यहां जा सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां पर ऑब्स्टैकल है। क्या यहां से मैं यहां जा सकता हूं? हाँ यहां जा सकते हो, यहां पर ऑब्स्टैकल नहीं है। तो इन शॉर्ट आप यहां से मूव करके यहां पहुंच गए, एक और साइडवेज जंप हो गया, तो ये वन हटके टू हो गया। ठीक है, अब तुम जब यहां पर पहुंचे, तुमने पूछा कि क्या यहां से यहां जा सकता हूं? हाँ जा सकते हो, ऑब्स्टैकल नहीं है। तुम जब यहां पहुंचे, तुमने पूछा कि क्या यहां से यहां जा सकता हूं? हाँ जा सकते हो, यहां पर ऑब्स्टैकल नहीं है। तो इन शॉर्ट मैं एंड पोजिशन पर पहुंच गया, यहां पर कहीं पर ही पहुंच जाऊं, पर पहुंच गया एंड पोजीशन के अंदर। मुझे कितने टोटल जंप लगे? मुझे दो साइडवेज जंप लगे। कौन से थे वो साइडवेज जंप? मैंने बोला एक साइडवेज जंप तो मैंने ये वाला किया हुआ है और एक साइडवेज जंप मैंने ये वाला किया हुआ है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो हाँ, मैं ऑब्स्टैकल के ऊपर से जंप कर सकता हूँ, बट ऑब्स्टैकल वाली पोजीशन पर नहीं जा सकता, वो पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? तो इस प्रकार मैंने क्वेश्चन आपको समझाया कि मेरे पास तीन लेन्स हैं, फ्रॉग मेरा स्टार्टिंग में सेकंड लेन के अंदर जीरो पोजीशन में खड़ा हुआ, मेरा टारगेट है कि मैं एंड पोजीशन पर पहुंच जाऊं, जिसमें कि मैं स्ट्रेट चल सकता हूं और मैं लेफ्ट और राइट के साइडवेज जंप मार सकता हूं। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरे मिनिमम नंबर ऑफ साइडवेज जंप कितने रिक्वायर्ड हैं टू रीच द एंड पोजीशन, जिसको मैं एन से डिस्क्राइब कर रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन कहता है। ठीक है, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो। क्रायो इज द वर्ल्ड्स लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और साथ ही साथ टॉप डेव जॉब्स भी ग्रैब कर सकते हैं। अनलाइक यूजुअल कोर्सेज, क्रायो में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, बट बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स इन अ रियल डेवलपर एनवायरनमेंट। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे, जिससे आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और एक स्ट्रांग गेटअप प्रोफाइल भी बन जाएगी। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में या बैकएंड डेवलपमेंट क्या क्या टेक यूज करने वाले हैं, वो सब भी आपको यहाँ पर विजिबल है। और साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलने वाली है, ताकि आपकी ड्रीम जॉब की डबल श्योरिटी हो। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक अटैच कर देता हूँ,
उसको यूज़ करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट क्राउड प्रोग्राम्स पर ले सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को यूज़ करेंगे, एक प्लेसमेंट ग्रैब करेंगे और मुझे पार्टी देंगे। सो बुक योर फ्री ट्रायल नाउ। ये बहुत सारी यहाँ पे कहानी लिखी हुई है, ये कहानी आप खुद पढ़ेंगे या कहानी आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको एक छोटी सी क्लैरिटी दे दी है, कौन कौन से यहाँ पर इनपुट हमें दिए हुए हैं। इनपुट में ऑब्स्टैकल्स कह रहे दिया हुआ है, इनपुट में ऑब्स्टैकल्स कह रहे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाला एग्जांपल देखूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0, 1, 2, 3, 0। तो इन शॉर्ट में क्या पता लग रहा है इस ऑब्स्टैकल वाले एले से, इससे हमें ये पता लग रहा है कि यार पहली, ऐसे बोल सकते हैं इसको, कि लेट्स से 0th पोजीशन की बात हो रही है, फर्स्ट पोजीशन की बात हो रही है, सेकंड पोजीशन की बात हो रही है, थर्ड पोजीशन की बात हो रही है, फोर्थ पोजीशन की बात हो रही है। तो इस 0th पोजीशन में आपका ऑब्स्टैकल कहाँ पर पड़ा है, 0 पे पड़ा है। तो मान लो यहाँ पे इमेजिनरी को लेना 0 वाली, यहाँ पर ऑब्स्टैकल पड़ा हुआ है, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो 1 और 2 और 3 इन तीन लेन के बारे में सोचते हैं। हमने बोला फर्स्ट पोजीशन पर, यानी इस पोजीशन पर ऑब्स्टैकल आपका 1 पे पड़ा है। तो ध्यान से देखो, ये रहा 1 और ये पड़ा हुआ ऑब्स्टैकल, बिल्कुल सही। हमने बोला सेकंड पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पर ऑब्स्टैकल आपका 2 पे पड़ा है। तो हमने बोला सेकंड पोजीशन पर, सेकंड लेन के अंदर ऑब्स्टैकल पड़ा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हमने बोला थर्ड पोजीशन पर ऑब्स्टैकल 3 पे पड़ा हुआ है, तो थर्ड पोजीशन पर ऑब्स्टैकल आपका थर्ड लेन के अंदर पड़ा हुआ है, दैट इज ये, बिल्कुल सही है। हमने बोला फोर्थ पोजीशन पर ऑब्स्टैकल 0 पड़ा हुआ है, तो ये रही फोर्थ पोजीशन पर, ये आपके 0th वाली इमेजिनरी लेन है, यहाँ पर आपका स्टार्टिंग ऑब्स्टैकल पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये आपका ऑब्स्टैकल वाला एड दर्शाता है। तो ऑब्स्टैकल ऑफ आई क्या दर्शाता है, ऑब्स्टैकल आई दर्शाता है कि आइथ पोजीशन पर ऑब्स्टैकल कौन सी लेन में है। ध्यान से सुनते हैं, ऑब्स्टैकल ऑफ आई क्या दर्शाता है, अगर मैं आपको यहां से लिख के दिखाऊं कि ऑब्स्टैकल ऑफ आई लेट से 2 है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आइथ पोजीशन पर ऑब्स्टैकल जो है वो सेकंड लेन के ऊपर है। क्या ये बात समझ में आती है, ये कहना चाह रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज से बिल्कुल भी, ठीक है। ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ऑब्स्टैकल जो आपका n+1, ऑब्स्टैकल टोटल n+1 लेंथ का है, n+1 लेंथ का है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और हमें n जो है वो एंड पोजीशन है, राइट। ये कैसे यूज होगा अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो मैंने तुम्हें क्या अप्रोच बताई, लेट्स से हम इसमें अप्रोच की बात करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले, फटाफट सोचते हैं एक बार। ठीक है, तो मैंने ये तुम्हारी लेन्स बना दी कि भाई ये कौन सी लेन है, ये लेन 1 है, ये लेन 2 है, फ्रॉग आपका स्टार्टिंग में यहाँ पर है, ये लेन 3 है, ये आपकी पोजीशन कौन सी है, ये आपकी पोजीशन 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऑब्स्टैकल आपके कहाँ पे पड़े हुए हैं, ऑब्स्टैकल लेट से मैं इस कलर से दर्शा रहा हूँ, तो ये आपका एक ऑब्स्टैकल पड़ा हुआ है, ये आपका एक और ऑब्स्टैकल पड़ा हुआ है, और ये आपका एक और ऑब्स्टैकल पड़ा हुआ है इस केस के अंदर, और ये मेरा टारगेट है, या तो मैं यहाँ पहुंच जाऊँ या यहाँ पहुंच जाऊँ या यहाँ पहुंच जाऊँ, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। अप्रोच क्या होगी, कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, इसी को फटाफट सोचते हैं। मैंने बोला स्टार्टिंग में जो मेरा फ्रॉग है वो यहाँ पर है, ओके, पहले चेक कर लेता हूँ एक बार कि मैं पहुंच तो नहीं गया अपनी डेस्टिनेशन पे। तो क्या ये मेरी लास्ट पोजीशन है, नहीं, ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। अगर पहुंच गया होता तो फिर आंसर रिटर्न 0 होता। मान लो कि यही तुम्हारी स्टार्टिंग पोजीशन होती और यही तुम्हारी एंडिंग पोजीशन होती, तो इस केस में कितने जंप करने पड़ते, भैया 0 का जंप करने पड़ते। तो मैंने एक सिंपल सा केस बना लिया कि यार अगर मेरा स्टार्टिंग पोजीशन जो है इज इक्वल टू एन हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर 0 आएगा। एक केस बन गया ये, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ मैं बेस केस के बारे में, अभी मुझे पता है इसको डिस्कस करने की नीड नहीं थी, बट ठीक है, दोबारा समझ लेंगे इस चीज़ को। मैंने बोला अगर मेरा फ्रॉग यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्या मैं यहाँ से सीधा जा सकता हूँ। आपने बोला हाँ जा सकते हो। कैसे पता लगा, हमने सिंपल ये चेक किया कि लेट से अगर ये जिस पोजिशन में खड़ा हूँ उसको मैं इस वेरिएबल नेम से दर्शाता हूँ, तो मैं सिंपल मैंने ये चेक किया कि यार आगे वाली पोजीशन पर, यानी कि आपने बोला इस पोजीशन पर मैं स्टैंड करता हूँ, आपने बोला क्या आगे वाली पोजीशन पर सेम लेन के ऊपर क्या आगे वाली पोजीशन पर ऑब्स्टैकल पड़ा है। अगर ऑब्स्टैकल नहीं पड़ा तो मैं सीधा जाने वाला हूँ। ध्यान से सुनो, मैं F यहाँ पे खड़ा था, मैंने बोला अगर आगे वाली पोजीशन पर ऑब्स्टैकल नहीं पड़ा हुआ तो मैं सीधा चलूंगा। क्या ये बात समझ में आती है। हमने बोला मिनिमम नंबर ऑफ साइड वे जंप निकालें, तो फालतू में साइड वे जंप नहीं मारूंगा, जब तक पॉसिबल है सीधा जाना सीधा ही जाऊंगा। तो मैंने बोला जब तक आगे वाली पोजीशन पर आगे जाना पॉसिबल है आगे जाऊं, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने ये बोला कि अगर ऑब्स्टैकल ऑफ पोजीशन प्लस वन, पोजीशन प्लस वन से आगे वाली पोजीशन की बात कर ली, इज नॉट इक्वल टू व्हाट, कौन सी लेन पे, अगर ये आपकी करंट लेन के इक्वल नहीं है,
मैंने बोला यहां से तुम्हारा आ जाएगा अगली पोजीशन पर ऑब्स्टेकल कहां पड़ा हुआ है और तुम कौन सी लेन पे खड़े हो। ये अगर ये सेम नहीं है, अगर आगे वाली पोजीशन पर ऑब्स्टेकल नहीं पड़ा हुआ है, तो इस केस के अंदर आगे इस केस के अंदर क्या करूंगा, मैं सीधा स्ट्रेट चले जाऊंगा, सीधा स्ट्रेट चले जाऊंगा इस प्रकार। तो ये केस बन गया मेरा, ठीक है, तो मैं यहां पहुंच गया। अब इसी का एक एल्स पार्ट बन जाएगा जो कि ये है कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मैंने देखा आगे वाली पोजीशन पर ऑब्स्टेकल पड़ा हुआ है तो मैं सेल्स वाले पार्ट के अंदर आ गया, तो मैं सेल्स वाले पार्ट के अंदर आ गया, राइट। अगर ऑब्स्टेकल पड़ा है तो सेल्स वाले पार्ट के अंदर आ गया। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर भैया मुझे साइड वे जंप करने पड़ेंगे, इसके अंदर मुझे साइड वे जंप करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है, सीधा जा नहीं सकता। तो क्या बचा, या तो साइड वे जंप करना पड़ेगा लेफ्ट राइट जो भी पॉसिबल जगह होगी। तो मैंने बोला कि यार मैं साइड वे जंप करता हूँ। तो साइड वे जंप करने जब मैं यहाँ पे निकला तो मुझे देखा यहाँ पे ऑब्स्टेकल पड़ा है। तो क्या समझ में आया कि जब तुम साइड वे जंप करते हो अगर ऑब्स्टेकल पड़ा है तो जंप नहीं कर सकते, अगर यहाँ जंप ट्राई किया तो यहाँ पे तुम जंप कर पाए क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टेकल नहीं पड़ा हुआ था। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, तुम्हारे पास तीन ऑप्शन थे, या तो मैं इस वाली रो पे रह जाऊं, या इस वाली रो पे रह जाऊं जंप करके, इस वाली रो पे रह जाऊं, तीन ऑप्शन थे जंप करके यहाँ पे आ जाऊं, या तो ऐसे चले गए, या तो नीचे चले गए, या तो इसके ऊपर ही रह गए। तो तुमने बोला कि अभी तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ। क्या इसको मैं साइड वे जंप बोलूंगा? भैया इसको तो साइड वे जंप बोल ही नहीं सकते ना, साइड वे जंप तो सिर्फ ये और ये होगा। मैं तुम्हें इस पॉइंट में समझा रहा हूँ कि मान लो मैंने एक लूप चला दिया जहाँ पर तुम कह रहे हो कि वन से लेके थ्री तक तुमने लूप चला दिया कि तीनों रो के ऊपर मैं जंप करने का ट्राई करूंगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन शॉर्ट मैंने सिंपल ये बोल दिया कि अगर आई मेरा इस लेन को दर्शा रहा है तो मैंने बोल दिया कि यार जिस भी करंट लेन पे मैं खड़ा हूँ वो नॉट इक्वल टू आई होनी चाहिए भाई, समझ रहे हो? मतलब मैं जिस पर जंप करना चाहता हूँ वो मेरी सेम करंट लेन नहीं होनी चाहिए, राइट, कि मैं इस पे ही खड़ा हूँ और मैं जंप करके इसी के ऊपर आ गया, ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। मैं इसी के ऊपर खड़ा हूँ, मैंने बोला कि मैं लेन नंबर टू पोजीशन नंबर वन पे खड़ा हूँ और मैं जंप करके दोबारा लेन नंबर टू पोजीशन नंबर वन पे आ गया, इससे क्या फायदा होगा? तो दैट्स मैंने बोला कि यार ये वाली चीज़ मत करना, ये चीज़ मत करना। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर लेट से तुम जंप करना चाहते हो यहाँ पे, तो यहाँ पर जंप करना तभी पॉसिबल होगा जब वहाँ पे ऑब्स्टेकल नहीं पड़ा हुआ, जब वहाँ पर ऑब्स्टेकल नहीं पड़ा हुआ। तो तुमने सिंपल सी बात करी कि एक और कंडीशन लगा देना जहाँ तुमने बोला कि ऑब्स्टेकल इस पोजीशन पर कहाँ पड़ा है इज नॉट इक्वल टू आई। आई मतलब कौन सी पोजीशन जहाँ तुम जंप करना चाहते थे, ऑब्स्टेकल ऑफ पोजीशन मतलब कि जहाँ पर ऑब्स्टेकल पड़ा हुआ है, जहाँ पर ऑब्स्टेकल पड़ा हुआ है वो नॉट इक्वल होना चाहिए जहाँ पे आप जंप करना चाहते हो, राइट। तो ये वाली दो कंडीशन आपने लगा दी, ये दो कंडीशन आपने लगा दी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, मैंने बोला इसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि यार मैं यहाँ से यहाँ पे जंप कर सकता हूँ। तो इससे क्या हुआ, जो आंसर आपका यहाँ तक जीरो था साइड वे जंप का, यहाँ तक जीरो था, आपने जैसे यहाँ पर जंप किया साइड वे जंप इंक्रीमेंट हो गया वन से, तो यहाँ पर आपका आंसर वन आ गया, यहाँ पे आपका आंसर वन आ गया। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ मुझे अपडेट करना पड़ेगा जंप को, अपडेट करना पड़ेगा जंप को। तो ये तीन कंडीशन मैंने लिख ली, एक मेरा ये वाला केस, एक मेरा ये वाला केस और एक मेरा एल्स वाला पार्ट, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पहुंचा मैंने बोला क्या मैं सीधा जा सकता हूँ, आपने बोला हाँ जा सकते हो, ये वाली सेम कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई। मैंने बोला यार कि क्या मैं सीधा जा सकता हूँ, आपने बोला नहीं, तो आप एल्स के अंदर आ गए। आपने बोला यार क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ, आपने बोला ये वाली कंडीशन जाने देगी नहीं। आपने बोला क्या मैं यहीं रह सकता हूँ, आपने बोला ये वाली कंडीशन रहने देगी नहीं। तो आपने बोला क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैंने बोला हाँ जा सकते हो। बट जैसे यहाँ गए अब तक आंसर वन था, अब आंसर यहाँ पहुँच के टू हो गया। यहाँ पहुँच के तुमने बोला क्या मैं सीधा जा सकता हूँ, उसने बोला हाँ। उस यहाँ पहुँच के आपने बोला क्या मैं सीधा जा सकता हूँ, उसने बोला हाँ। तो इस प्रकार आपका आंसर टू ही आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तीन कंडीशन के आधार पर हो जाएगा। हमने बस यहाँ पे दो ही चीज़ें बोली हैं, तीन कंडीशन में नहीं है बेसिकली। क्या आपने क्या बोला कि अगर मैं एक पोजीशन पर खड़ा हूँ कि लेन नंबर आई पे और पोजीशन नंबर जे पे, अगर यहाँ से आगे वाली पोजीशन पर सेम लेन के अंदर आगे वाली पोजीशन पर, एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरी सेम लेन है, इसमें आगे वाली पोजीशन पर अगर ऑब्स्टेकल नहीं पड़ा तो मैं सीधा चला जाऊंगा। अगर सेम लेन में आगे वाली पोजीशन पर ऑब्स्टेकल नहीं पड़ा तो मैं सीधा चला जाऊंगा, बट अगर पड़ा हुआ है तो क्या करना है, तो मुझे साइड वे जंप करना पड़ेगा। तो साइड वे जंप के द्वारा हैंडल कर लेना और जंप को अपडेट कर देना, इतना सा बोला। रुकना कब है बेस केस, रुकना कब है, मैंने बोला रुकना कब है, सिंपल चीज है। तुम यहां पहुंच जाओगे यहां या यहां या यहां, बेसिकली लास्ट पोजीशन पर, जैसे तुम लास्ट पोजीशन पर, यानी जब तुम्हारा पोजीशन इक्वल टू एन हो जाएगा, जब तुम्हारा पोजीशन इक्वल टू एन हो जाएगा, तब रुक जाना, सिंपल। तो अगर मुझे इसको कोड करना है, तो फटाफट एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला एंट सॉल्व, यहां मैंने पास कर दिया आपका ऑब्स्टेकल, यहां मैंने आपका ऑब्स्टेकल पास कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या क्या पास किया, मैंने बोला कि मैं किस पोजीशन पर खड़ा हूं
और मैं किस लेन पर खड़ा हूँ ये मैंने बता दिया। तो मैंने बोला कि यार ये हो गई मेरी करंट लेन और ये हो गई मेरी करंट पोजिशन, इस प्रकार। और शुरू में आपका फ्रॉग कहाँ पे खड़ा है तो आपको ऑलरेडी पता ही है, शुरू में आपको पता आपका फ्रॉग ऑलरेडी कहाँ खड़ा है, भैया सेकंड लेन के अंदर खड़ा है और पोजीशन नंबर 0 पे खड़ा है। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या किया, रिटर्न लिख दिया, सॉल्व वाला फंक्शन कॉल कर दिया, ऑब्स्टैकल्स पास कर दिया, लेन पास करनी है। करंट लेन कौन सी है, अभी तो बताया, अभी तो बताया करंट लेन कौन सी है भैया 2, पोजीशन कौन सी है 0, तो तुमने यहाँ पर 2,0 पास कर दिया, खत्म। अब बात करते हैं बेस केस की। बेस केस तुमने बोला कि अगर मेरी पोजीशन इज इक्वल टू एन हो जाए तो इस केस के अंदर रिटर्न 0 कर देना। पर भैया एन क्या है, मैंने बोला था ऑब्स्टैकल का साइज जो है, इस ऑब्स्टैकल का साइज जो है n+1 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि int n is equals to obstacles.size-1, बिल्कुल कह सकते हो भैया, क्यों नहीं कह सकते। तो ये मेरा बेस केस हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको सिंपल सी एक चीज बोली कि यार एक बार चेक करो कि अगली पोजीशन पर, सेम लेन में अगली पोजीशन पर कोई ऑब्स्टैकल तो नहीं पड़ा हुआ। तो तुम बोल रहे हो कि ऑब्स्टैकल्स अगली पोजीशन पर इज नॉट इक्वल टू करंट लेन, कि सेम लेन के अंदर अगली पोजीशन पर कोई ऑब्स्टैकल नहीं पड़ा होना चाहिए। अगर नहीं पड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आगे वाला पार्ट सॉल्व किया जा सकता है, आगे वाला पार्ट सॉल्व किया जा सकता है, मैं सीधा चले जाऊंगा। तो तुमने आगे वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए इसको बोल दिया, किसको बोला, रिकर्जन को। रिकर्जन क्या कहता, तुम एक केस सॉल्व कर दो बाकी मैं खुद कर लूंगा। तुमने रिकर्जन को बोला क्या, आगे वाला पार्ट सॉल्व करके ले आना। तो तुमने बोला ऑब्स्टैकल्स कॉमा कौन सी लेन रहेगी, भैया सीधे गए हो तो लेन सेम रहेगी, तो लेन सेम रहेगी, पोजीशन एक आगे बढ़ चुकी होगी, पोजीशन एक आगे बढ़ चुकी होगी। बहुत बढ़िया, इसी का तुम्हारे एल्स वाला पार्ट बन जाएगा, इसी का तुम्हारे एल्स वाला पार्ट बन जाएगा, जहां पर तुमने क्या बोला कि आगे ऑब्स्टैकल पड़ा हुआ है, यानी तुम्हें साइडवेज जंप करना है यहाँ पे। अब तुम्हें साइडवेज जंप करना है, अब तुम्हें साइडवेज जंप करना है, कैसे करेंगे। मेरे पास भैया गिनती की 3 ही चॉइस है, मेरे पास गिनती की 3 ही चॉइस है जंप करने की हमेशा, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार एक मैंने फोर लूप चलाया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन सॉरी 0 नहीं, आई 1 से स्टार्ट किया, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, क्या करूंगा क्या करूंगा। मैंने बोला कि यार हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हो सकता है, हो सकता है मान लो एक ऐसा केस भी हो, जैसे इन यहाँ पे हमने क्या देखा कि तीनों केस हमारे पास ऐसे थे जहाँ पे एक ना एक ऑब्स्टैकल पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी पड़ा था, इसके अंदर पड़ा था और इसके अंदर पड़ा था, राइट। अब मान लो एक केस ऐसा बन जाता आपका, लेट से एक केस आपका इस प्रकार बन जाता कि आप यहाँ पर खड़े हो और ये आप हो फ्रॉग, दोबारा देखते हैं, मैंने बोला आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर ऑब्स्टैकल पड़ा हुआ है और बाकी सब फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, तो यहाँ पर मैं यहाँ भी जा सकता था और यहाँ भी जा सकता था। तो दो तरीके से आंसर निकल सकता है, मुझे कौन सा आंसर चाहिए, मुझे मिनिमम वाला आंसर चाहिए, मैं बोला वही तो करूंगा मैं भी। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर एक आंसर वेरिएबल रख लिया, आंसर इज इक्वल्स टू इंट मैक्स, और मुझे मिनिमम वाला आंसर चाहिए, मुझे मिनिमम वाला आंसर चाहिए। तो मैंने क्या बोला, आंसर इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा व्हाट, कॉमा व्हाट, एक साइड में जंप हुआ कि नहीं हुआ, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मैंने एक साइड में जंप किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तुमने बोला 1, एक साइड में जंप तुमने ऑलरेडी कर दिया, आगे चेक कर लेना, आगे कौन चेक करके लाएगा, रिकर्जन चेक करके लाएगा। तुमने बोला सॉल्व ऑब्स्टैकल्स कौन सी लेन में, भैया आई वाली लेन में हमने जंप किया है, तो आई वाली लेन में, आई कॉमा पोजिशन, ठीक है। भैया एक चीज आप भूल रहे हो, मैंने बोला क्या, आपने एक कंडीशन और बताई थी कि मैं इनको अपडेट कब करूंगा, ये जो मैं अपडेट कर रहा हूँ आंसर कब अपडेट करूंगा, बहुत बढ़िया, ये वाली कंडीशन जब ट्रू होगी तब करूंगा। तो हमने इसको यहाँ पर लिस्ट कर दिया, हमने बोला इफ कि मैं जिस लेन पर साइडवे जंप कर रहा हूँ वो मेरी करंट लेन तो नहीं है, तो तुमने बोला करंट लेन जो है तुम्हारी इक्वल नहीं होनी चाहिए आई के, बहुत बढ़िया। और ये हमेशा मेक श्योर करना जहां पर तुम जंप करो वहां पर ऑब्स्टैकल ना पड़ा हो, तो तुमने अब चेक कर लिया ऑब्स्टैकल्स ऑफ जिस पर तुम इस पोजिशन में जहां पर ऑब्स्टैकल पड़ा है वो नॉट इक्वल टू आई होना चाहिए, अगर ये ट्रू है तो सब कुछ ठीक है, तुमने रिटर्न कर दिया आंसर। एक बार इसको रन करके देखते हैं, एक छोटी सी गलती क्या है, करंट पोजीशन, यहाँ करंट पोजीशन आएगा, 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 रन करके देखते हैं एक बार। अब रन करके देखते हैं एक बार, हमने रन किया, एक्सेप्ट हो गया, हमने सबमिट किया, क्योंकि रिकर्सिव सॉल्यूशन है तो ये पक्का TLE मारेगा, तो ये पक्का TLE मारेगा, राइट। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, TLE आ गया, ठीक है। हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, एक सोल्यूशन एटलीस्ट हमने निकाल लिया, एक सोल्यूशन एटलीस्ट हमने निकाल लिया। अब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने बोला हम चलो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं टॉप डाउन डीपी के अंदर, टॉप डाउन डीपी के अंदर, वो तो ऑलरेडी आपको पता है क्या क्या स्टेप्स हमारे पास, राइट। तो मैंने लिख दिया सॉल्व यूजिंग मेमोराइजेशन, सॉल्व मेमो लिख दिया इसका नाम, यहाँ भी चेंज कर दिया और यहाँ भी चेंज कर दिया, ठीक है। और क्या करना होता है भैया, कुछ नहीं करना होता दोस्त, आपको क्या करना है,
आपको सबसे पहले डीपी वाला एरे क्रिएट करना है, आपको डीपी वाला एरे क्रिएट करना है। तो आपने क्या किया, वेक्टर वेक्टर एंट डीपी, हमने बोला कितनी रोज, अगर हम ध्यान से देखें रोज कितनी है, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर लेन वन की रो है, टू की रो है, थ्री की रो है, और हमने स्टार्टिंग में देखा इमेजिनरी रो मान के चली थी हमने जीरो के लिए, तो मैंने बोला चार रोज लेके चल लो, तो फिर तुम्हें इंडेक्सिंग में कन्फ्यूजन नहीं होगी, चार रो लेके चल लो, और कितना तुम्हारे कॉलम्स कितने होने चाहिए, जितना भी तुम्हारा ऑब्स्टैकल का साइज है उतना ले लो यार, नेक्स्ट टच कर दो इसको माइनस वन के साथ, ठीक है। तो डीपी वाले एरे बना लिया, इसका हमने कॉल कर दिया सॉल्व मेम वाला फंक्शन, यहाँ पे पास कर दिया ऑब्स्टैकल्स टू कॉमा जीरो कॉमा डीपी इस प्रकार, ठीक है। डीपी को फटाफट हम इंक्लूड कर लेते हैं हमारे फंक्शन के सिग्नेचर के अंदर, ठीक है। ऐसे ये हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, डीपी वाला एरे क्रिएट कर लिया, उसको इनिशियलाइज कर लिया, फंक्शन के अंदर पास कर लिया, अब सारी फंक्शन कॉल के अंदर भी पास कर लो एक बार, कंफ्यूजन थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। इतना हो गया, अब मैं बोला जहां पर भी आंसर स्टोर कर रही हो वहां पर डीपी के अंदर आंसर कॉपी करके रिटर्न करवा देना, ठीक है। तो तुमने बेसिकली यहाँ पे ऐसा बोल दिया कि डीपी ऑफ कौन कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, आपको पता कैसे लगेगा टू डीपी है, मैं बोला ध्यान से देखो फंक्शन कॉल में, अगर ध्यान से देखो तो ये हो गया करंट लेन करंट पोजिशन प्लस वन, तो यानी इस फंक्शन कॉल के अंदर आपका एक करंट पोजिशन वाली वैल्यू चेंज हुई है, एक स्टेट चेंज हुई है। अब ध्यान से देखो इस वाली फंक्शन कॉल के अंदर आपका आई आ गया यहाँ पे करंट लेन की जगह, तो दो वैल्यू चेंज हो रही है, मुझे पता लगा कि टू डीपी है, तो मुझे पता लगा टू डीपी है, जहाँ पे एक पैरामीटर आपका लेन को दर्शाएगा, एक पैरामीटर आपकी पोजिशन को दर्शाएगा। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोल दिया, डीपी ऑफ करंट लेन करंट पोजिशन इज इक्वल्स टू आंसर, और आपने इसको ऐसे रिटर्न कर दिया, ठीक है, ये काम भी हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, थर्ड स्टेप क्या होता है, जहां पर बेस केस खत्म हो रहे हैं वहां पर एक बार चेक करो डीपी के अंदर आंसर पड़ा तो नहीं है, तुमने बोला अगर इसके अंदर आंसर पड़ा हुआ ऑलरेडी तो उसको रिटर्न करवा दो ना, उसको रिटर्न करवा दो, उसी को आपने रिटर्न करवा दिया। अब एक बार फटाफट चेक करते हैं रन करके, क्या ये चल भी रहा है या फिर गलत है, क्या ये चलता भी है या फिर ये गलत है, हमने एक्सेप्ट करा दिया, एक बार सबमिट करते हैं सक्सेसफुल, ठीक है। तो बिल्कुल सही चल रहा है, हमने इसको सॉल्व कर लिया, यूजिंग टॉप डाउन डीपी के द्वारा हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं भैया टॉप डाउन से तो कर लिया, बॉटम अप अप्रोच लगाओ इसके अंदर, मैंने बोला बॉटम अप अप्रोच में मजा आएगा आपको इसके अंदर, क्यों, क्योंकि वहां पर थोड़े से चेंजेस हमें रिक्वायर्ड है। सॉल्व टैबुलेशन इसका नाम मैंने रख दिया, इसमें क्या पास करना है, सिंपल आप ऑब्स्टैकल पास कर दो, अभी के लिए बाकी सब कुछ रिमूव कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, तो टैबुलेशन के अंदर में क्या करना होता है आपको ऑलरेडी पता है, क्या करना होता है भैया, आप सबसे पहले अपना डीपी वाला एरे क्रिएट कर लो भाई, पहले तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, उसकी नीड पड़ने वाली है मुझे, कैसे दिख जाएगा अभी, मैं बोला कि यार ये डीपी वाला एरे क्रिएट कर लेता फटाफट, वेक्टर ऑफ एंट कॉमा एंट डीपी, हमने बोला कितनी रोज, हमने बोला चार रोज, कितने कॉलम, हमने बोला कॉलम आपका डिपेंड करेगा आपके ऑब्स्टैकल के साइज पे, इनिशियलाइज कर दो इसको इंट मैक्स के साथ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर आपका अगर मैं ध्यान से देखूं तो गेम क्या हो रही है, यहाँ पे गेम छोटी सी और बड़ी प्यारी सी है, यहाँ पे गेम इस प्रकार है कि यहाँ पर डीपी ऑफ आई और जे क्या दर्शाता है, टॉप डाउन के अंदर डीपी ऑफ आई जे ये दर्शाता है कि आई कोमा जे पोजीशन से मेरी वो डेस्टिनेशन वाली पोजीशन कौन सी हो सकती है, या तो हम बोल सकते हैं 1, n या 2, n या 3, n, आई कोमा जे से इन तीनों में से किसी भी पोजीशन पर पहुंचे कि मेरे नंबर ऑफ साइडवेज जंप कितने हैं ये दर्शाता है आपका डीपी ऑफ आई जे, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट करके इसको सुन लेना, मैंने बोला आई कोमा जे पोजीशन से आपकी डेस्टिनेशन वाली पोजीशन तक पहुंचने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ साइडवेज जंप कितने लगने वाले हैं वो दर्शाता है आपका डीपी ऑफ आई जे, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले करने के वाले हो, जैसे टॉप डाउन में किया था सिम वही चीज करने वाला, थोड़ा ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे टॉप डाउन जो हमने सॉल्व किया था अभी उसमें ऐसा था, टॉप डाउन अप्रोच जो हमने सॉल्व की तो वहां पे क्या था, आपने वहां पर लेन को पास किया था आपने कि सेकेंड लेन से स्टार्ट कर रहे हो, पोजीशन को स्टार्ट किया था आपने कि जीरो पोजीशन स्टार्ट करो, तो बेसिकली आप 2, 0 पोजीशन से आप रीच करने की कोशिश कर रहे थे इनमें से किसी एक वैल्यू को, 1, n, 2, n, 3, n, क्या इस बात को हम मानते हैं कि नहीं मानते। अब बॉटम अप में क्या होने वाला है, मैंने बोला बॉटम अप में इसका उल्टा होता थोड़ा सा,
आप थोड़ा सा फ्लो चेंज हो जाएगा आपका आंसर निकालने का कि आपने क्या किया। आप इस प्रकार आपने बोल दिया कि मैं 1, n से या 2, n से या 3, n से इनसे ट्राई कर रहा हूँ, इनसे ट्राई में कर रहा हूँ आपकी 2, 0 वाली पोजिशन पर पहुंचने के लिए। सिंपल बॉटम अप्रोच, ठीक है। तो ये तो आपकी, चलो ठीक है, ये वही पता लगेगा क्यों बोला मैंने, क्यों समझाया आपको अभी बताते हैं। पर उससे पहले जब डीपी वाला आंसर क्रिएट कर लेते, डीपी वाला वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना होता है। आप ऊपर जाते हो, टॉप डाउन वाला एक बार चेक करते हो कि इसके बेस केस क्या थे, और उसके हिसाब से एनालाइज करके सोचते हो कि क्या आप डीपी आर में कुछ फिल कर सकते हो उसके हिसाब से। तो आपने बोला अगर करंट पोजिशन इक्वल टू एन है, ओके, अगर आपकी पोजिशन, ध्यान से सुनो, मैंने बोला अगर आपकी ये पोजिशन जो है इक्वल टू एन है, तो उस केस में आपने बोला आंसर 0 रिटर्न कर दो। तो मैंने बोला तो आसान है। तो इन शॉर्ट तुम ये कह रहे हो कि डीपी ऑफ पहले वाला मुझे नहीं पता अभी, पर सेकंड वाला अगर एन है तो आंसर 0 डाल देना। अब मुझे पता है पहली वाले के पास तो गिनती की 4 ही वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि 4 ही रोज हैं। तो आपने बोला 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो मुझे ये 4 चीजें पता लग गई करनी पड़ेगी मुझे आफ्टर सीइंग दिस बेस कंडीशन। तो ये मैंने समझ लिया, ठीक है। इस प्रकार अब उसके बाद क्या करना होता है, अब जो कहानी मैंने तुम्हें समझाई थी कि यार टॉप डाउन में तुम इस प्रकार जा रहे थे 2, 0 से यहाँ इन वैल्यूज तक, बॉटम अप में तुम इस प्रकार यहां से लेके यहां जाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने बोला कि भैया 1, n या 2, n या 3, n, इनका आंसर तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो ऐसा करो, इनको दोबारा प्रोसेस करने की नीड नहीं है। आप ऐसा करो 1, n-1, 2, n-1, 3, n-1, इनसे आंसर निकालने की कोशिश करो। समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पर तो स्टार्टिंग अभी इंटरमैक्स पड़ा हुआ है, इंटरमैक्स इनिशियलाइज किया था ना मैंने इसको, ये देखो यहाँ पे किया हुआ है। तो मैंने बोला कि एक फोर लूप मैं चलाता हूँ मेरी लेन के लिए, सॉरी एक फोर लूप मैं चलाता हूँ मेरी पोजीशन के लिए, जहाँ पे पोजीशन स्टार्ट हो रही है एन माइनस वन से, क्योंकि एंथ वाली पोजीशन तो मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या। हाँ दोस्तों, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। और थोड़ी सी गड़बड़ क्या है कि ये जो चीज़ें यहाँ पर मुझे लिखनी थी ये वाली, ये मुझे गलती से मैंने नीचे लिख दी, ये मुझे ऊपर लिखनी थी यहाँ पर मेरे सॉल्व टैब वाले फंक्शन में। माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, सॉरी एवरीवन। तो मैंने क्या बोला, मैंने लूप चलाया फोर पोजीशन एन माइनस वन से लेके पोजीशन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो से लेके पोजीशन जो है माइनस तक, ठीक है। और ये तो हो गया, और लेन तो सिंपल है। तुमने बोला सिंपल लेन वाली गेम, तो लेन तो मैंने स्टार्ट कर दी मेरी 1 से, और लेन जो है हद से हद मेरी लेस देन इक्वल टू 3 और लेन प्लस प्लस। तो इस प्रकार ये तुमने सारा का सारा स्पेस निकाल ली जहां पर मैं ट्रैवर्स करने वाला हूँ मेरी बॉटम अप के अंदर। इसके अंदर क्या करना है भैया, मैं बोला ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ऊपर जाओ, जो भी तुमने लिखा हुआ है उसे कॉपी करके लाओ और इसको चिपका देना, ठीक है। ये बात समझ में आती है, या फिर ऐसा करो इसे कॉपी कर लिया तुमने इस प्रकार और तुमने नीचे चिपका दिया, ठीक है भैया, ये कर दिया। अब क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तुमने बोला कि यार चलो ये तो भी कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसको करंट पोजीशन कर देता हूँ और इसको करंट लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तुमने क्या बोला कि यहाँ पर मेरी रिकर्सिव कॉल है, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो अभी आंसर किसके लिए निकाल रहे हो, तुम किसके लिए निकाल रहे हो? ये आंसर मैं निकाल रहा हूँ डीपी ऑफ करंट लेन और करंट पोजीशन, इसके लिए आंसर निकाल रहा हूँ, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दो, ये हो गया तुम्हारा डीपी ऑफ, ये तुम्हारी करंट लेन आ गई और ये तुम्हारी करंट पोजीशन प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार तुमने ये आंसर निकाल लिया, खत्म। इसका तुमने बोला कि ये मेरा आंसर इंटमैक्स है, इस प्रकार मेरा काम चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर ये मेरा, इसको डीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्त, इसको डीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहीं पर कैच है, हमने बोला कि इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया ऐसे डीपी ऑफ आई, और ये हो गया करंट पोजीशन, ठीक है। और इसको तुमने सेव कर लिया आंसर के अंदर, और आंसर तुमने सेव कर लिया डीपी ऑफ व्हाट, डीपी ऑफ करंट लेन कॉमा करंट पोजीशन के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार तुमने इतना काम तो कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, इतना करने से बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ ऐसा किया है। तो मैंने कहा अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार हुआ है कि ये तुम्हारा जो था, ये तुम्हारा पूरा वो 3 लेन वाला सिस्टम था, राइट।
एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। तो तुमने इन शॉर्ट क्या किया, तुमने यहाँ से एक बार स्टार्ट करके पीछे आने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ से एक बार स्टार्ट करके पीछे आने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ से एक बार स्टार्ट करके पीछे आने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे करते 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 तुमने जो पोजीशन जीरो है वहां पर कुछ आंसर बिल्डअप कर दिए। लेट से यहाँ पे आंसर आ गया 5, यहाँ पे आंसर आ गया 3, यहाँ पे आंसर आ गया 2। मैंने बोला एक आंसर तो मेरा ये हो गया क्योंकि यहाँ पर पहुंचने का एग्जैक्ट तरीका हमें पता लग गया। उसके बाद मैं यहां से भी तो यहाँ आ सकता हूँ, प्लस 1 हो जाएगा, है ना, एक साइड में जंप लगेगा। उसके बाद मैं यहां से भी तो यहाँ आ सकता हूँ, तो मेरे पास 3 आंसर हो गए। एक जो ऑलरेडी आंसर यहाँ पड़ा हुआ है 5, दूसरा जो मैं 2 से यहाँ पे आऊंगा 2+1, और तीसरा 3 से यहाँ पे आऊंगा 3+1। तो इन 3 आंसर का जो भी मिनिमम होगा वो मुझे आंसर देना है। तो 5, 3, 4, तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर यहाँ पर मिनिमम क्या आ गया, मेरा आंसर 3 आ गया। क्या ये बात हमें समझ में आती है कि नहीं आती है? दोबारा समझाता हूँ। मैंने बोला आपने इस पोजीशन से पहले ट्राई किया पीछे के पूरे एरे को फिल करने का, आपने एक आंसर निकाल दिया। आपने इस पोजीशन से भी ट्राई किया पीछे के पूरे आपके डीपी वाले एरे को फिल करने का, आपने आंसर निकाल दिया। फिर आपने इस पोजीशन से भी ट्राई किया पीछे के पूरे पूरे के पूरे डीपी एरे को आंसर फिल करने का, और आपने आंसर निकाल दिया। आपने देखा, आपने ये देखा कि यार जब मैं आंसर निकाल रहा हूँ एडजेंट यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 5 बचा हुआ है, यहाँ पर 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो आपने बोला कि यार एक आंसर ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे तो पता है मुझे आंसर तो हमेशा इस ब्लॉक का ही निकालना है, आंसर मुझे हमेशा इस ब्लॉक का ही निकालना है। तो यहाँ पर एक आंसर पड़ा हुआ है जो कि 5 है। बट क्या मैं ये कह सकता हूँ अगर मेरा ये वाला आंसर है, यानी यहाँ पर फ्रॉग है, तो फ्रॉग यहाँ से यहाँ भी तो जंप कर सकता है, राइट राइट। तो इस केस में ये आंसर +1 हो जाएगा, तो ये 2+1 हो गया। या फिर अगर ये मेरा आंसर 3 है, तो अगर मेरा फ्रॉग यहाँ पर, तो फ्रॉग यहाँ से यहाँ भी जंप कर सकता है, तो इस केस में आंसर 3+1 हो जाएगा। तो जो भी इन तीनों का मिनिमम आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इन शॉर्ट मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने बोला रिटर्न मिनिमम ऑफ व्हाट, व्हाट मिनिमम ऑफ डीपी, कौन सी लेन, मैंने बोला सेकंड लेन, कौन सा पोजीशन, मैंने बोला 0th पोजीशन, ओके पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरा मिनिमम ऑफ व्हाट, कौन सी लेन, मैंने बोला डीपी लेन नंबर 1, कौन सी पोजीशन, भैया 0th पोजीशन, इसमें 1 प्लस कर देना, मैंने बोला ओके। सेकंड केस क्या है कि भाई डीपी ऑफ कौन सी लेन, थर्ड लेन, कौन सी पोजीशन, 0th पोजीशन, इसमें क्या करना है, इसमें 1 प्लस कर देना। तो इन तीनों में जो भी मिनिमम आंसर होगा वो मुझे रिटर्न करना है, वो मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको हमने कमेंट कर दिया, हमने बोला रिटर्न कर दो सॉल्व टैब ऑब्स्टैकल्स, इसको हमने एक बार रन करके देखा, इसको हमने एक बार रन करके देखा, इसने बोला पोजीशन जो है वो ढंग से चेंज करो ना, करना ही है तो, हमने रन करके देखा, इसने बोला लेन भी ढंग से चेंज करो ना, करना ही है तो, फिर से रन करते हैं। इसने बोला क्या बोला इसने भाई, ज्यादा आ गया ब्रैकेट, ज्यादा आगे ब्रैकेट लगता है। अब इंटीजर ओवरफ्लो हो गया, हमने इंट मैक्स ले रखा है, इंटीजर ओवरफ्लो हो गया। लेट से मैंने इसको 1e9 दे दिया होता, अब चलाओ मित्र, अब तो चला के दोगे कि अभी नहीं दोगे, एक्सेप्टेड आ गया, ओके। मैंने इसको सबमिट करके देखा और मुझे कुछ खास उम्मीद है नहीं, मुझे लगता है रॉन्ग आंसर आएगा, वेरी गुड। तो यहां पर हमने गलती कर दी, और ये गलती क्यों हो रही है, अगर मैं सिंपल सा यहां पर जाके प्लस 1 कर दूं और फिर मैं रन करने की कोशिश करूं, बताऊंगा क्यों किया, डिस्कस करेंगे, और फिर मैं सबमिट करने की कोशिश करूं, तो क्या मेरा आंसर चलेगा? ये तो चल गया, ठीक है। अब हुआ क्या समझते हैं फटाफट, चलो। इसी में मुझे टाइम लगा था, तो उसी प्लस 1 को ढूंढने के लिए ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, या फिर क्या करूं कि कोड चल जाए, यहां पर एक एक्स्ट्रा मुझे चीज ऐड करनी पड़ गई, इसमें मेरा टाइम खराब हो गया बहुत ज्यादा। हमने बोला ये आपकी 0th पोजीशन, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और ये थर्ड पोजीशन, और ये फोर्थ पोजीशन, अरे यार। ये आपकी लेन नंबर 1, ये आपकी लेन नंबर 2, ठीक है। हमने बोला ये है लेन नंबर 1, ये है लेन नंबर 2, ये है लेन नंबर 3,
और हमने क्या कहा आपसे, हमने आपसे ये कहा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, ध्यान से कोड को देखते हो, समझने की कोशिश करते हैं मैंने प्लस वन क्यों किया। ठीक है, तो मैंने बोला आप एन माइनस वन पोजिशन से, ठीक है, स्टार्टिंग हमने जो चार केस थे, इन चार केस के अंदर हर जगह जीरो डाल दिया था, यहाँ पर जीरो आ गया, यहाँ पर जीरो आ गया, यहाँ पर जीरो आ गया, ओके, जीरो वन टू थ्री फोर। अब मैंने क्या किया, एन माइनस वन पोजिशन से स्टार्ट करूँ, एन माइनस वन पोजिशन कौन सी, ये आपकी एन माइनस वन वाली पोजिशन है, ये वाली पोजिशन जो है, ये तीनों जो कॉलम आपके बन रहे हैं इनकी बात कर रहा हूँ, तीनों जो आपके ब्लॉक्स बन रहे हैं इनकी बात कर रहा हूँ। इसमें एन माइनस वन पोजिशन के लिए लेन वन से स्टार्ट किया, आपने बोला कि यार अगर मेरे आगे वाले पोजिशन पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि मैं वहीं से आया हूं, मैं वहीं गया हूंगा ना, अगर आगे कोई ऑब्स्टेकल नहीं पड़ा हुआ था, सब कुछ क्लियर है, तो इसका मतलब मैं सीधा गया हूंगा ना, इसका मतलब मैं सीधा गया हूंगा, और अगर मेरा आंसर इस केस में यहां पर टू था तो आगे जाके भी टू ही रहेगा ना, तो इस केस के अंदर मैंने क्या किया, करंट पोजिशन पर आगे वाला आंसर कॉपी कर लिया, तो ठीक है, तो स्टार्टिंग में इस लेन को प्रोसेस कर रहा हूं, तो मैंने बोला मेरा यहां पर भी जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आती है, ऑब्स्टेकल कहां कहां पर है, ये वाला ऑब्स्टेकल वाला था, ये वाला ऑब्स्टेकल वाला था, और ये वाला ऑब्स्टेकल वाला था, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, आप लेन नंबर टू के लिए गए, आपने बोला इस वाले ब्लॉक के लिए क्या मेरे आगे वाले डब्बे में ऑब्स्टेकल था, अगर ऑब्स्टेकल नहीं है तो यानी मैं सीधा गया था, और सीधा गया तो आंसर सेम हो जाएगा, तो सीधा ही गए थे आप, तो आंसर आपके यहाँ भी जीरो आ गया, ये बात भी समझ में आती है, ये बात भी समझ में आती है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैं थर्ड वाले ब्लॉक में गया, तो अब मैं पहुंचा इस वाले ब्लॉक में, मैंने बोला कि अगर मेरे आगे वाले, अगर मेरे आगे वाली पोजीशन पर यानी कि इस पोजीशन के अंदर ऑब्स्टेकल नहीं है, जो कि नहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब है कि मेरा इस ब्लॉक के लिए भी आंसर सेम आपका वही आने वाला जो यहाँ पे आंसर था, तो यहाँ भी जीरो आंसर आ गया। वैसे यहाँ पे आंसर आने का मतलब बनता नहीं है क्योंकि ऑब्स्टेकल है, बट चलो ठीक है, रख लिया, कुछ दिक्कत नहीं होगी इससे। इसके बाद हम आ गए हमारे इस वाले ब्लॉक के अंदर, ठीक है, इस वाले कॉलम के अंदर, तो हम इस वाले डब्बे पे पहुंचे, हमने बोला, हमने बोला दोस्त सुनो सुनो, अब क्या करना है, हम बोला क्या तुम आगे वाले से आए हो, क्या तुम आगे वाले से आए हो, बॉटम अप है, दैट्स व्हाई यहाँ पे तुम्हें उल्टा लग रहा है कि भैया यहाँ से यहाँ थोड़ी आ सकते हैं, हमें तो यहाँ से यहाँ जाना था, मैंने बोला बॉटम अप डीपी है, बॉटम अप डीपी है, ठीक है, उस हिसाब सोचना, तो तुम बेसिकली यहाँ से बोलना चाह रहे हो कि जब तुम इस वाले डब्बे को कैलकुलेट करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि यहाँ से तुम्हारी एंथ वाली पोजिशन तक पहुंचने में कितना मिनिमम, कितना तुम्हारा मिनिमम साइड जंप लगने वाला है, ये तुम स्टोर करने वाले हो। तो हमने सिंपल चेक किया, क्या तुम्हारे आगे ऑब्स्टेकल पड़ा हुआ है, क्या इस डब्बे में ऑब्स्टेकल था, नहीं, तो यहाँ पर सेम आंसर जीरो आएगा, ठीक है। फिर तुम पहुंचे इस डब्बे में, तुमने बोला क्या तुम्हारे आगे डब्बे में ऑब्स्टेकल पड़ा हुआ है, उसमें नहीं, तो यहाँ भी आंसर जीरो आएगा। फिर तुम पहुंचे यहाँ वाले डब्बे में, तुमने बोला क्या तुम्हारे आगे वाले डब्बे में ऑब्स्टेकल पड़ा हुआ है, जी हाँ ये तो पड़ा हुआ है ऑब्स्टेकल, यहाँ पे देखो मिल गया मुझे, अगर ऑब्स्टेकल पड़ा है तो तुम आ जाओगे एल्स वाले केस के अंदर, ठीक है, तो तुम आ जाओगे एल्स वाले केस के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एल्स वाले केस में तुम जब आए तो तुमने बोला कि यार इस वाले डब्बे में जो है इसका मतलब ये है कि मैंने कहीं पर साइड जंप किया होगा, इसका मतलब है मैंने इस वाले डब्बे में कहीं ना कहीं साइड जंप किया होगा। अब कहाँ पे, कहाँ से किया था सोचते हैं, हमने बोला तीन ऑप्शन है, वन टू थ्री, हमने स्टार्ट किया पहले वन वाले से, कि क्या मैंने इस प्रकार साइड जंप किया था, क्या मैंने इस प्रकार साइड जंप किया था, अगर इस प्रकार साइड जंप किया था तो ध्यान से सोचो, तो ध्यान से सोचो, इसमें अगर साइड जंप किया था, कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है कि तुम्हारी सेम लेन का नहीं होनी चाहिए, तो ये वाली लेन और ये वाली लेन डिफरेंट है, ठीक है, तो पहली कंडीशन ट्रू होगी, और सेकंड लेन क्या कहती है कि उस करंट पोजिशन पर ऑब्स्टेकल नहीं पड़ना चाहिए, यानी इस डब्बे के अंदर ऑब्स्टेकल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नहीं पड़ा हुआ, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, तो तुमने आंसर निकाला। अब आंसर कैसे निकाला, कि आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर वन प्लस वन, क्यों कर प्लस, क्योंकि वन दर्शाता है आपके साइड जंप, क्योंकि ये वाला साइड जंप हुआ है, ये वाला साइड जंप हुआ है, वन प्लस डीपी ऑफ आई, आई मतलब यही वाली लेन है, राइट, और करंट पोजिशन प्लस वन, करंट पोजिशन प्लस वन, भैया क्यों लिया ये, करंट पोजिशन प्लस वन क्यों लिया है, हमने डीपी ऑफ आई करंट पोजिशन क्यों नहीं लिया, हमने ये क्यों नहीं लिया और हमने ये क्यों लिया है, बहुत सिंपल है, ये क्यों लिया है और ये क्यों नहीं लिया, ध्यान से सोचो ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। मैंने बोला एक प्यारा सा केस देखते हैं, एक प्यारा सा केस देखते हैं, मान लो कि तुम ये वाला अच्छे से बनाता हूं, मान लो कि इस प्रकार केस है, ठीक है, यहाँ पीछे कुछ कुछ है इसको भूल जाओ, आगे कुछ कुछ है उसको भूल जाओ, और मान लो यहाँ पे आंसर पड़े हैं, ठीक है, यहाँ जो आगे आंसर पड़े हैं जीरो 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 पड़े हुए हैं, आगे तो आंसर ऑलरेडी पड़े होंगे अगली वाली कॉलम के अंदर, है ना, इस बात को तो मानते हो क्योंकि हम बॉटम अप कर रहे हैं तो इस प्रकार सॉल्व करते हुए ला रहे हैं, राइट, तो तुम्हारे पास आगे वाले कॉलम के अंदर आंसर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है, अब तुम इस वाले कॉलम के लिए आंसर निकाल रहे हो, इस वाले कॉलम के लिए आंसर निकाल रहे हो, स्टार्टिंग में तुमको पता है कि हर जगह इंटरमैक्स पड़ा हुआ है,
हर जगह इंटमैक्स पड़ा हुआ है, स्टार्टिंग के अंदर इंटमैक्स पड़ा हुआ है। मान लो कि ये वाले कॉलम पे ऑब्स्टैकल पड़ा हुआ है, मान लो कि इस वाले कॉलम पे ऑब्स्टैकल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो तुमने जब इससे पूछा कि यार, इससे पूछा कि यार क्या तुम आगे वाले से सेम से आए हो, कि आगे ऑब्स्टैकल पड़ा हुआ है, उसमें आगे ऑब्स्टैकल नहीं पड़ा, तो इसका आंसर हट के यहाँ पे जीरो आ गया। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। बट जब तुम इसको फेच करने गए और मान लो यहाँ पर तुम्हारा ऑब्स्टैकल पड़ा हुआ है, ये वाला क्या जान सुनना, बट अगर जब तुम इस वाले ब्लॉक को सॉल्व करने गए और मान लो आगे ऑब्स्टैकल पड़ा हुआ है, अगर आगे ऑब्स्टैकल पड़ा है तो यानी तुम सीधा तो नहीं गए होगे, तुम साइडवेज जंप करके गए होगे। और जब साइडवेज जंप करते हो तुम किस ऑर्डर में चेक करते हो, भैया 1 2 3। तुम पहले वाले से पूछने गए, यार क्या मैंने तेरे ऊपर साइड जंप किया था, क्या मैंने तेरे ऊपर साइड जंप किया था। उसने बोला, सुन भाई, बोला हाँ भाई, मैं हूँ ऑब्स्टैकल, तूने मेरे ऊपर साइड जंप किया ही नहीं है, ऑब्स्टैकल के ऊपर साइड जंप पॉसिबल ही नहीं है। उसने बोला ठीक है, यहाँ पे नहीं हो सकता। उसने फिर अपने आप से पूछा सेकंड लेन से, क्या मैंने तेरे ऊपर ही साइड जंप किया था। उसने बोला, सुन भाई, मैं जो हूँ करंट लेन नॉट इक्वल टू आई, मैं सेम लेन हूँ भाई, मेरे पे साइड जंप पॉसिबल ही नहीं है। अब वो कहाँ गया, अब वो गया इससे पूछने की, यार थर्ड लेन, क्या मैंने तेरे ऊपर साइड जंप किया था। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, थर्ड लेन पे क्या स्टोर हुआ पड़ा है, इंटमैक्स स्टोर हुआ पड़ा है। थर्ड लेन का आंसर अभी निकला ही नहीं है, थर्ड लेन का आंसर अभी निकला ही नहीं है। तो क्या तुम आंसर कैलकुलेट कर पाओगे इस वाले ब्लॉक के लिए, नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा इस ब्लॉक का आंसर, तुम्हारा इस ब्लॉक का आंसर इस पे डिपेंड नहीं कर सकता। इस पे डिपेंड करने जाएगा तो इंटमैक्स मिल जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा, फंस जाएगा। तो तुमने क्या बोला, इसको इस पे डिपेंड होने के बजाय इस पे डिपेंड करवा देता हूं कि अगर यहां पर ऑब्स्टेकल नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये यहीं से आया होगा, ऐसे करके ना, ऐसे करके। तो दैट्स व्हाई मैंने यहां पे करंट पोजीशन प्लस वन कर दिया, क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग में इंटमैक्स वाली गेम आ सकती है। बात समझ में आती है। तो ये वाली गेम थी यार, ये वाला वो केस है जिसके लिए मुझे यहाँ प्लस वन करना पड़ गया और मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसको मैं सबमिट करके दिखाता हूँ एक बार, चल रहा है कि नहीं चल रहा। आई थिंक हमने सबमिट किया था पहले भी, है ना। तो इस प्रकार ये सक्सेसफुल हो गया। अब चलते हैं आगे कि क्या मैं इसको स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ सॉल्यूशन को, क्या यहाँ पर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखो, जो भी मेरा डीपी ऑफ करंट लेन और करंट पोजीशन है किस पर डिपेंड करता है, फटाफट लिख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पॉसिबल है कि नहीं है। तुमने बोला कि डीपी ऑफ जो मेरा करंट लेन और करंट पोजीशन है वो किस पे डिपेंड करता है। पहली चीज, वो डिपेंड कर रहा है डीपी ऑफ करंट लेन कॉमा करंट पोजीशन प्लस वन पे। लिख दो, उसके बाद समझ में अपने आप आ जाएगा। और दूसरा, दूसरा डिपेंड करता है वो डीपी ऑफ आई कॉमा करंट पोजीशन प्लस वन पे। ओके, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो ये वाला गेम है, ये कौन सी गेम है, ये है सेम लेन। क्या आपकी लेन सेम है, यहाँ भी करंट लेन था, यहाँ भी करंट लेन है, लेन सेम है आपकी, बट आप अगले कॉलम पर चले गए हो, सेम लेन बट नेक्स्ट पोजीशन, राइट, आप एक पोजीशन आगे बढ़ गए हो। ओके, यानी कि ये वाला जो डब्बा है ये डिपेंड कर रहा है आपके आगे वाले एक डब्बे के ऊपर। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर इस वाले की बात करें, इस वाले की बात करें, तो आपकी करंट लेन चेंज हुई है, करंट लेन चेंज होकर आई हो गई है, करंट लेन चेंज होकर आई हो गई है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम बोल सकते हैं डिफरेंट लेन और पोजीशन कौन सी, नेक्स्ट पोजीशन। तो इन शॉर्ट, आपका यहां पर कोई एक डब्बा, आपका यहां पर कोई एक डब्बा डिपेंड कर रहा है इनमें से किसी भी एक डब्बे के ऊपर, अगले वाले कॉलम के। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे सिर्फ दो ही कॉलम्स की नीड थी यार, एक मेरा करंट वाला कॉलम, एक मेरा नेक्स्ट वाला कॉलम। अगर ये दो कॉलम मेरे पास होते तो मेरा काम तो हो जाता, मुझे 2D एरे बनाने की नीड नहीं है, मुझे सिर्फ दो कॉलम बनाने की नीड है, दो कॉलम। और मुझे साफ साफ पता है कि ये वाला जो कॉलम है इसका साइज जो है वो 4 है, इसका साइज भी 4 है। भैया 4 क्यों, 3 क्यों नहीं है, मैंने बोला अभी बताता हूँ। मुझे ये अच्छी तरह पता है कि जो मेरा एक कॉलम है उसका साइज 4 है ऐसे, और जो अगला कॉलम है उसका साइज भी 4 है ऐसे। भैया 4 क्यों, 3 क्यों नहीं, मैंने बोला ये कॉलम दर्शाता है। ओके, मैंने बोला ये वाला कॉलम दर्शाता है, ये है आपकी लेन 1, फिर ये है आपकी लेन 2, फिर ये है आपकी लेन 3। इसके लिए भैया ये क्या था, मैंने 0 वाली इमेजिनरी लेन ले रखी है जानबूझ के लिए, ताकि वो इंडेक्सिंग वाला बार बार ना करना पड़े। मैं 1 इंडेक्स को ही 1 लेन मान के चल रहा हूँ, अगर मान लो 0th इंडेक्स को मैं 1 लेन मान के चलता तो मुझे 12 माइनस 1 करना पड़ता, ठीक है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है मुझे 8 ब्लॉक्स बनाने मेमोरी की, अगर मुझे सिर्फ 8 ब्लॉक्स मेमोरी के बनाने, क्या मैं कह सकता हूँ मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस के अंदर O(1) है। पहले जहां मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी,
ओ ऑफ फोर मल्टीप्लाई एन आ रही थी, अब वो ओ ऑफ एन ओ ऑफ वन आ रही है, राइट। तो मैंने स्पेस ऑफर्मेशन कर ली है, तो ध्यान से देखा और मैंने बोला कि मुझे दो ही दो ही दो ही दो ही वैक्टर बनाने की नीड है। पहला वैक्टर मैंने बनाया जिसका नाम मैंने लिख दिया करंट, और मैंने बोला कितने कितने कॉलम चाहिए इसके अंदर, हमने बोला इसके अंदर मुझे चाहिए इसको मैंने बोला कि ये मेरा करंट कॉलम है और करंट कॉलम जो है मुझे चार साइज का बनाना है जिसके अंदर सब कुछ इंट मैक्स होगा। इसी प्रकार मैंने क्या बोला कि मेरे को एक वेक्टर बनाना है जो कि होगा तुम्हारा नेक्स्ट, जहां पर चार साइज का होगा और सब कुछ इंट मैक्स चाहिए स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसको मुझे इसको हटाना है, इसके नीड नहीं है, ठीक है। इसके बाद डीपी ऑफ जीरो एंड डीपी ऑफ वन एंड डीपी ऑफ टू एंड डीपी ऑफ थ्री एंड इन सबको आपने जीरो कर दिया, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये सारे नेक्स्ट वाले वेरिएबल्स हैं, नेक्स्ट वाले को आपने ऑलरेडी जीरो कर दिया, नेक्स्ट वालों को आपने ऑलरेडी सॉरी गाइस ऐसे आपने बोला कि ये मेरा नेक्स्ट है, कि नेक्स्ट का जीरो आपने ऐसे कर दिया। करंट जो है वो नेक्स्ट पर डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई मैंने इसको नेक्स्ट लिया, करंट नहीं लिया, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मैंने नेक्स्ट में चेंज क्यों किया, इसमें करंट में क्यों नहीं किया, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने ये सारी चीजें सॉल्व कर दी, ओके। इसके बाद हमने बोला डीपी ऑफ करंट लेन कॉमा करंट पोजीशन, ये किसको दर्शाता है, ये आपके करंट वाले वेक्टर को दर्शाता है। तो तुमने क्या बोला, करंट वाला वेक्टर पोजीशन की तो कोई नीड ही नहीं है, हम सिर्फ लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डीपी ऑफ करंट लेन कॉमा करंट पोजीशन प्लस वन, यानी नेक्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, तो तुमने इसको हटा दिया और तुमने लिख दिया नेक्स्ट, ओके। उसका तुमने क्या बोला कि यार ये डीपी ऑफ आई कॉमा करंट पोजीशन प्लस वन, पोजीशन प्लस वन की बात होगी तो नेक्स्ट वाले की बात कर रहा है, ठीक है। तुम्हारा डीपी ऑफ करंट लेन कॉमा करंट पोजीशन, यानी कि ये करंट वाले वेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। और तुम्हें एक चीज हमेशा मेक श्योर करनी पड़ेगी कि हर आइटरेशन के बाद, जब भी तुम्हारी कोई आइटरेशन खत्म हो रही है, जैसे लेट से तुम अभी इन दो को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अगले आइटरेशन में क्या होगा, अब तुम इन दोनों को सॉल्व कर रहे होगे, अगले आइटरेशन में क्या होगा कि अब तुम इन दोनों को सॉल्व कर रहे होगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बार बार नेक्स्ट के अंदर करंट को कॉपी कर रहे हैं। कैसे, मैंने बोला स्टार्टिंग में अगर आपका करंट ये था और नेक्स्ट ये था, अगले आइटरेशन में क्या होगा, अगले आइटरेशन में करंट ये हो जाएगा और नेक्स्ट ये हो जाएगा, तो इसका मतलब अगले आइटरेशन मुझे नेक्स्ट के अंदर करंट को कॉपी करना पड़ेगा, सिंपल। तो मैंने बोला हर आइटरेशन के बाद तुमने नेक्स्ट के अंदर जो है करंट को कॉपी कर देना है, ठीक है, ये वाला काम भी हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो मिनिमम निकाल रहे हो नेक्स्ट में से निकाल लेना भाई, तुमने बोला कि ये नेक्स्ट में से निकाल लेना भाई, नेक्स्ट 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 इस प्रकार, और सेम ही फंक्शन के दौरान चेंजेस कर दिए, सेम फंक्शन के दौरान चेंजेस कर दिए और मैंने इसको रन कर दिया। मैंने बोला रिटर्न, आई थिंक ऊपर वाले से ही बात बन जाएगी। हमने इसको रन किया एक बार सॉल्व टैब को, सॉल्व टैब वाला फंक्शन कौन सा, यही वाला फंक्शन है। इसके ध्यान से देखो, मैंने करंट और नेक्स्ट वाले दो चार साइज के वेक्टर बना लिए हैं, आई थिंक ये चलना चाहिए, एक बार रन करते हैं फटाफट, चल गया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जहां पर हमने देखा किस प्रकार रिकर्जन का कोड लिखना था, उसके बाद किस प्रकार से मेमोराइजेशन ऐड करनी थी, राइट। ये रहा आपका रिकर्जन का कोड, ये रहा आपका मेमोराइजेशन का कोड। हमने उसका देखा बॉटम अप अप्रोच कैसे लिखनी है, जब बॉटम अप अप्रोच लिखने गए हमें वहाँ पे एक गलती लिखी गई और यहाँ पर मुझे प्लस वन करना पड़ जाएगा, ठीक है, वो तो कोड हमने हटा दिया। उसका हमने स्पेस ऑप्टिमाइज वाला सोल्यूशन यहाँ पर ये लिख दिया है। बड़ा ही क्लासिक क्वेश्चन था, जहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी एक जगह पर फीकी पड़ गई, बट ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत मजा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर, मुझे बहुत मजा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी, तो देखो पहला लूप आपका चल रहा है कितना टाइम्स, आपका लूप चल रहा है पहला एन टाइम्स, दूसरा चल रहा है आपका कितना टाइम्स, थ्री टाइम्स, तो यहाँ पे थ्री स्टार एन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। इसके अंदर आप एक और लूप चला रहे हैं जो कि कल चल रहा है आपका थ्री टाइम्स, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या होने वाली है, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या होने वाली है। क्या मैं कह सकता हूँ कि सॉल्यूशन को हमने ऑफ एन में कर लिया, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने ऑलरेडी देख ली थी यार, हम बार बार ये इतना स्पेस दे रहे थे, राइट, कितना स्पेस दिया था हमने, फोर मल्टीप्लाई एन प्लस वन, तो फोर एन यानी ऑफ एन स्पेस ले रहे थे पहले, बाद में कम कर लिया, ऑफ वन में कर लिया इसको हम, ठीक है। मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा दोस्त, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन लगा, ठीक है।
फ्रेंकली बताऊं तो मैंने भी गलत किया था इसको बहुत बारी, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखो दो बार रॉन्ग आंसर लेके आऊंगा। कहाँ पे भैया गलत कहाँ पे हुआ था? रिकर्जन से किया था, टीएलई आ गया पता था। फिर ये हमने टॉप डाउन किया था, ठीक है, ये भी टॉप डाउन ही होगा। बट यहाँ पर जब बॉटम अप करने गया मैं तो मेरे दो बार रॉन्ग आंसर आया, मुझे समझ में नहीं आया कहाँ पर गलती करी, वो प्लस वन वाली चीज। फिर जब मैंने वो पकड़ ली हाथ, फिर तो हो गया था। तो बॉटम अप के अंदर हमने एक बार इसमें गलती करी थी, वैसे तो ठीक क्वेश्चन था, ठीक है। पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और किस किस कंपनी ने पूछा है पता नहीं। मिलेंगे आपसे अगले सेशन के अंदर, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। टाइम, धन्यवाद एवरीवन, बाय। टाइम क्या हो रहा है बता देते हैं, 4:06 सुबह के, दोपहर के नहीं। चलो बाय।